आई लव डब्ल्यू डब्ल्यू लेजेंड्स आई रियली लव डब्ल्यू डब्ल्यू लेजेंड्स मेरे को बहुत ही ज्यादा प्यार है बट वाई आर वी वॉचिंग सो मैनी डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ दो सुपर स्टार्स अगेन एंड अगेन और डब्ल्यू डब्ल्यू बार बार, बार बनाई भी जा रही है इट्स लाइक like, और कुछ बना लो क्यों बार बार डॉक्यूमेंट्रीज हमें बार बार वही क्लिप्स नहीं देखनी हो सकता है कि शायद मेरे को कोई दिक्कत हो रही हो हो सकता है कि बाकी लोगों को पसंद हो बार बार वही चीज डॉक्यूमेंट्री देखना बार बार के है, well, you know, Orton, Orton, है गर्मी को ज्यादा दिमाग में चढ़ रही है बड़ी तो like मेहनत से चैंपियनशिप जीती दो चैंपियनशिप जीती इनफैक्ट एंड ये ऐसा वैसा चैंपियन कि छोटा सा मैच लड़ा ना भैया मेहनत करिए बंदे ने जॉनी डेप <laughs> क्या लगा रोमन रेंस बोलूंगा पागल हो गया रोमन रेंस के सामने जॉनी डेप भाई कहा कंपेयर कर रहे हो बट नहीं आई लव रोमन रेंस यू नो आज हम रोमन रेंस के बारे में भी बात तो उसके बारे में ही बात करने वाले क्यू एन ए भी होगा क्यू क्यूएन ए क्या मतलब वही डेली क्यू एन ए कि रोज कमेंट्स उठाऊंगा उसको रिप्लाई करूंगा लेकिन उसके पहले आई वांट टू से कि हाँ रोमन रेन्स का रिटर्न किस तरह से होना चाहिए बिकॉज अभी तो कंफर्म ही हो गया है कि रोमन रेंस अब गायब है रॉ में नहीं दिख रहा बंदा स्मैकडाउन में नहीं दिख रहा तो एक्सपेक्ट करो कि अब डायरेक्ट हो सकता है कि हेलिना सेल मनी इन द बैंक इनके बाद ही देखने को मिलेगा मे बी जस्ट समर स्लैम जब आने वाला होगा उसके टाइम के आसपास रोमन रेंज देखने को मिलेगा सो इन दैट पीरियड डब्ल्यू क्या कर सकती है किस तरह से रोमन रेंज का रिटर्न कर सकती है प्लान आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज लालचन लग रहे हैं यार तुम लोग पे तुम लोगों पे कहा जा रहा है कि अरे तुमसे रोमन रेंज का रिटर्न ना हो पाएगा तुमने तो टाइटल जो यूनिफाई किया वो तुमने हक दिया है गंदे से हक दिया है ऑफ कोर्स लगना था यार मतलब ब्रॉक लेजनर से जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो पता नहीं रोमन रेंस क्या क्या उछाले मारेगा लेकिन कुछ नहीं भाई वो तो घर पे जाके सो गया दैट इज नॉट द वे उससे अच्छा फिर आप एक काम करो ना आप कुछ रिटर्न के टाइम पे कुछ ऐसा कर देना कि जो दो महीने में होगा ना ये डब्ल्यूबी फैंस भूल जाए बिकॉज हम बुलक्कर हैं हम भूलने में बड़े तेज हैं तो हम भूल जाएंगे जिसका सबसे पहला जो चीज मैंने रखा वो ये कि ये तो बिल्कुल भी ना रखना कि रोमन रेंस आए दो महीने बाद एंड ही सेज हाँ तो दो महीने तक मैं गया था क्या क्या हुआ इधर ये 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 बहुत पुरानी टैक्टिक हो चुकी है स्पेशली गाइस लाइक रोमन रेन्स जिनके कैरेक्टर में आप छोटी छोटी डिटेल्स डाल के उसको बहुत बड़ा दिखा सकते हो उसके लिए ये नहीं है ये आप छोटे छोटे सुपरस्टार्स के लिए रखो बट इट कम्स टू रोमन रेंस प्लीज अवॉइड दिस हाँ नहीं तो कहीं पता चले रोमन रेंस आके पूछ रहा है उस हाँ, भाई बताओ यार क्या चला ऊस भी कह रहे हैं Uh, कुछ हुआ तो नहीं जहां तक मेरे को पता कोडी रोड्स ने आपकी शर्ट से ज्यादा अपने नेक टैटूज बिकवा दिए हैं यू नो व्हेन ही ही कैन कैन रिटर्न ब्रिंग सो मेनी गुड गुड थिंग्स एंड वन थिंग इज सोलो सिकोआ या फिर भी और एक सुपरस्टार मे बी अ फीमेल एडिशन जस्ट लाइक जजमेंट डे ने भी कर रखी है बिकॉज ब्लड लाइन को अगर डोमिनेट करना है हाउ अबाउट की वो फीमेल डिविजन में भी जाके डोमिनेट करे वो भी बहुत ही अच्छा होगा आई मीन स्टोरी तो है ना दो महीने तक ब्रेक लिया है एंड रोमन रेंज भी लाइक कि यार दो महीने का ब्रेक है क्या करूं क्या करूं एनएक्सटी देखता हूं अरे ये तो अपने ही बंदा है इसके साथ तो मैं खेला करता था ये एनएक्सटी में इसको बुलाओ अभी मैं दो महीने बाद जब जाऊंगा ना तो इसको मैं लेके जाऊंगा <laughs> तो ऐसा लाइक रोमन रेंज अगर करेंगे तो बहुत बेटर होगा उसके अंदर जेलसी क्रिएट होगी क्या हमारी पोजीशन लेने आया है सोलो सिकुआ इसको सोलो ही मारेंगे तो ये ब्रेड लाइन के बीच में बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है मेरे हिसाब से एटलीस्ट दो महीने का अगर आप लोगों को दे रहे हो अद, 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 ब्रेक दे रहे हो तो उनको कुछ एक फल भी दे दो ना अच्छा लगेगा अगली जो चीज है जिसको बोलते हुए मेरे को मेरे दांत कांप रहे हैं दांत कांप रहे हैं बट हाँ रोमन रेंस एंड अंडर अंडर टेकर क्यों कह रहा हूँ रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेजनर लेकिन का उस तरह से रिटर्न जैसे अंडरटेकर और ट्रिपल एच का देखने को मिला था आई थिंक 2011 में जब उनका ट्वेंटी सेवन मेरे का मैच होने वाला था तो जैसी अंडरटेकर की एंट्री हो रही थी पूरा अंडरटेकर ने ना रिंग के अंदर आया और जैसे ही कुछ बोलने वाले थे उसके पहले ही ट्रिपल एच की रिटर्न हो चुकी थी तो वैसा कुछ अगर हमें देखने को मिल गया इसमें भी कि कि रोमन रोमन इतने टाइम के बाद आए एंड इससे पहले कि कुछ बोले ब्रॉक कम्स यू नो वट लेट्स रिमूव ब्रॉक लेजनर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा मिनट थर्टी एट में देखा तो था कितनी बार दिखाएगा जॉन सीना ऐड कर लो भाई रिवेंज लेने आ सकता है बंदा जॉन सीना की ट्वेंटी एनिवर्सरी चल रही है कोई और सा भी बंदा ले लो मैं तो बस कह रहा हूं कि हाँ लेकिन रोमन रेंज के आते एक बड़ा सुपरस्टार सो दैट समर स्लैम के लिए एक मार्की मैच ना अनाउंस हो जाए ऑलरेडी तो बस इतनी मेरी दिल्ली ख्वाहिश है ये पूरी हो जाए तो अच्छा रहेगा रोमन वर्सेस नहीं देना चलेगा लेकिन ये लोग देंगे आप लोगों ने स्टैट्स देखते नहीं हो शायद देखो मैंने नंबर वन कंटेंडरशिप लाइक यूनिवर्सल एंड डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए हा huh, क्यों क्यों रखा मैंने लाइक वी ऑल नो इस टूर्नामेंट का अगर हुआ भी तो इसका फाइनल क्या होगा कोडी वर्सेस वर्सेज ऑफ़ कोर्स लाइक व्हाट एल्स डू यू हैव नाउ क्या करोगे तुम ट्रुथ वर्सेस ना जैक्स तो वही है कि लाइक रॉलिंस एंड कॉडी का अगर यू you नो know, कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं आ रहा है यू नो रिटर्न नहीं कर रहा है तो ऐसे में Rollins और रोलि की ही स्टोरी लाइन से ये लोग विनर निकाल के अगर रोमन रेंस के लिए प्रिपेयर कर दे दैट वुड बी द बेस्ट फॉर बिजनेस और इस दो महीने में अगर कोडी रोड्स ने ऐसा बिहेव कर दिया कि अरे डब्ल्यूब्ल्यू तो मैं ही चला रहा हूँ मेरे अलावा कौन है तो ऐसे में रोमन रेंस का रिटर्न बहुत कमाल का हो सकता है तो ऑफकोर्स मेरे लिए तो इतना ही रहेगा डेफिनेटली आप कॉमेंट्स में लिखकर बताना आपके हिसाब से कि आप रोमन रेंस को कैसे बुक करते उनके रिटर्न पे जब

ये तो ये तो सामने ही दिख रहा था यार कि WWE बनना चाह रही है, ले ले तो अब इनको मिल गया नापोरेट वर्सेस बी इंटरेस्टिंग और आज की जनरेशन में तो बढ़िया बंदा कोई था नहीं। तो लाइक हेड्स ऑफ टू टोनी खान कि हाँ भैया आपने एमजेफ को चूज किया और मे बी इट्स आयुष खड़का ने लिखा है कि ब्लड एंड गर्ड मैच इज सिमिलर टू वॉर गेम्स मैच Yeah, I think blood and guts जब भी मैं सुनता हूं ना मेरे को पता है क्या याद आता है this one. yep ये शानदार इमेज हमें याद आती है क्रिस जेरी को कार्डबोर्ड के गत्ते पे गिरते हुए इसको कौन भूल सकता है यार ब्लड एंड गट्स इज द क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस सुभोजीत ने लिखा कि इट वाज रियल बट दे टर्न इंट इन टू अ स्टोरी लाइन एंड टोनी खान का यहाँ पे बात हो रही है आई थिंक सो कि इट वॉज रियल मतलब हो सकता है कि हो सकता है कि जो सबसे पहली चीज आई थी ना बहुत टाइम पहले आई थी हो सकता है कि उसी दिन तक वो रियल थी एंड उनके बीच यू में सब सुलह हो गई बट देन टोनी खान सेट टू मेल्जर कि हाँ भैया ऐसे बिकॉज द ग्रेट Thing about, uh, All Elite wrestling is उनके पास डेव मेडर है ये सारे न्यूज वाले बंदे हैं, तो उनके साथ वो खेल सकते हैं डेव मेडर को बोलते हो कि भैया ऐसे, ऐसे बात फैला दो तुम्हारी बात पर तो लोग चाटी लेंगे तो अच्छा रहेगा और वो हुआ भी होगा तो आई थिंक दैट कुड बी ए ग्रेट पॉसिबिलिटी जीत भाई मांगरा ने लिखा कि भाई अगर सी एम पंग वर्सिसकाडा को रख देगा तो फिर जीतेगा कौन ये डब्ल्यू डब्ल्यू तो है नहीं जो किसी को भी जिता देंगे दिस इज प्रो रेसलिंग शो ओ आप कहना चाह रहे हो इसके जो विनर होते हैं वो रियल होते हैं नहीं फिर आपने ये भी लिखा है कि जितवा देंगे कंफ्यूजिंग hmm, मैन अगर प्रो रेसलिंग शो है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है फिर तो डालो पंको का पता तो चले कि रियल वर्ल्ड चैंपियन कौन है एंड रही बात कोई भी की वेरी इजी आंसर देख लो किसकी रेटिंग ज्यादा है एनजेपीडब्ल्यू सेटिंग ज्यादा है तो ऑफकोर्स सीएम पंग जीतेगा इसके पहले भी एनजेपीडब्ल्यू को डिस्ट्रॉय किया झेल so, तो दिया था लेकिन ओका नहीं झेलेंगे एनवेज दैट इसटली कॉमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बता रहा रिगार्डिंग रोमन रेन्स और अगर आपको पंद है तो चैनल सब्सक्राइब करो